Avail this opportunity to learn Vastu and how to study numbers and date of birth. Get ready for the 4 days workshop only on Zoom app from 6 June to 9 June. For registrations, call 7503555555. Thank you. जो लोग यहाँ पे बिल्कुल ये बोलते हैं कि जी सर आप हमारे को न्यूमरोलॉजी सिखाइए, एस्ट्रोलॉजी सिखा दीजिए, फंडा, टेक्निक, ट्रिक, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं. क्या बोलते हैं? फंडा, ट्रिक. बड़ा दुख लगता है, बहुत तकलीफ होती है. सर आपको सिखाना ही नहीं चाहते, आप तो बताना ही नहीं चाहते, आप तो चाहते बस आप ही को आ जाए और तो कोई देखे नहीं. ऐसा है नहीं. उनको थोड़ा सा पूछ लो ना, थोड़ा सा भी उनको पढ़ने के लिए बोल दो, थोड़ा सा भी मेहनत करने के लिए बोल दो, होती नहीं है. फाइव एलिमेंट्स हमारी बॉडी में भी है, इस ब्रह्मांड में भी है, इस संसार में भी है. इनसे तालमेल बिठा करके जो रहता है वो वास्तव. अब इसका बेनिफिट जो आप बोल रहे थे, समृद्धि नहीं है. दुख की बात यह है कि जितने भी लोग वास्तु करवाते हैं 80% to 90% पैसे के लिए करवाते हैं, जबकि वास्तु का मतलब है सुख, सुविधा, सुरक्षा, शांति. ये वास्तु का मतलब है. ये आपको थ्योरेटिकल अगर लग रहा है तो आप याद रखना कि जिसका विजिट करके आएंगे ना, या अपना भी करेंगे तो थ्योरेटिकल ही होगा, पेपर पे ही होगा, बस प्रैक्टिकल उसको कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है यदि आपको नहीं मालूम तो. क्योंकि आपको उसके घर से उसकी बॉडी के एलिमेंट्स को तालमेल बिठाना है. यदि वो नहीं बैठा, आप देखते बहुत शानदार सी कोठी बनाते हैं, बहुत अच्छा सा शोरूम बनाते हैं, शोरूम चलता नहीं, बहुत अच्छा सा घर बनाया, घर में बीवी कहना नहीं मान रही, बच्चे कहना नहीं मान रहे, तालमेल सेट है नहीं, बात डाइवोर्स तक पहुंच गई. समझ? कुछ लोग वास्तु कर रहे हैं फिर भी उनको आइडिया नहीं है ना. तो मैंने बताया जो बात चल रही थी कि वास्तु कि हम पहचान कैसे करें टीचर की, गुरु की, तो ऐसे बहुत सारे नियम है. एक हम बोलते ना, ये उसने रिकमेंड किया, रेफरेंस उसका है, वो तो हर एक प्रोफेशन में चलता है, हर एक बिजनेस में चलता है, ठीक है ना. तो एक तो इसका रेफरेंस कौन दे रहा है, एक तो ये भी मैटर करता है, ठीक. उसको नॉलेज कितनी है ये मैटर करता है. फिर क्या वो एक ही जैसा वास्तु करता है? वास्तु कितने प्रकार के मालूम है? इंडस्ट्रियल वास्तु है, रिलीजियस वास्तु है, कमर्शियल वास्तु है और रेजिडेंशियल वास्तु है. और उसमें भी जो तीन है, चर वास्तु होता ना, मालूम है किसको? आनंद जी, चर वास्तु, स्थिर वास्तु नहीं मालूम? एडवांस वास्तु में जब आप आएंगे वर्कशॉप में, कोर्स में, यही एक अंतर है कि आप मेरे से यहाँ पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं कर पाते. यहाँ पे हमने आम आदमी से लेकर खास आदमी तक, कुछ प्रोफेशनल भी हैं, कुछ हाउसवाइफ भी हैं, तो हमने ABCD से शुरू करना है. तो इसलिए बहुत सारे लोगों को बहुत सी चीजें आती होंगी, ठीक है. फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम आपको दूं, अपना पूरा थैला खाली करूं. आप भरने वाले चाहिए. डायरेक्शंस कितनी होती हैं? 9, 10, 4, 10. सिंह साहब कितनी होती हैं? 16 होती हैं. खड़े हो जाओ, फटाफट माइक दे दो इनके हाथ में. नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ENNE, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ESE. आप हिंदी में नाम बताइए. सागर. डायरेक्शंस का नाम बताइए सर. ऐसा नहीं है क्योंकि आपको हिंदी में क्यों नहीं मालूम? आपको इंग्लिश में भी तो उसका नाम नहीं लेना था ना. आप क्या बोल रहे हो? NNE. जो भी है तो फिर, तो फिर 16-32 कर देते हैं हम उसको. फिर तो 32 भी कर देते हैं, फिर तो 64 भी कर देते हैं, आगे आगे लगाते जाएंगे. NNE ऐसा तो नहीं होता है. इसलिए डायरेक्शंस, ये 16 डायरेक्शंस वही व्यक्ति बोलेगा जिसने शास्त्र नहीं पढ़े. समझ आया? क्लियर आपको? डायरेक्शंस 16 नहीं होती. कितनी होती है? 10. ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ हम सभी जानते हैं, ठीक है. और बाकी उनकी उपदिशाएं, ईशान बोलते, नॉर्थ ईस्ट, नैऋत्य, आग्नेय, साउथ ईस्ट और वायव्य, नॉर्थ वेस्ट और आकाश और पाताल, जमीन के अंदर. यस, करेक्ट. लोग क्या बोलते हैं? ऊपर नीचे, सीलिंग एंड फ्लोरिंग. ऐसा नहीं होता. आकाश और पाताल,
तो एक अच्छा वास्तु कंसल्टेंट दसों दिशाओं का ध्यान देता है, बाकी जो चीजें होती हैं वो उसके भाग हैं, भाग आप कितने भी कर लीजिए, ठीक है ना। अब डॉक्टर के पास जाते हैं तो लिखा जाता है ना MBBS, वकील के पास जाते हैं, उन्होंने बोला ना यहाँ पे एक दो लायर बैठे थे ना, बोला ना LLB, आपने किसी ने सिविल इंजीनियर है तो लिखा जाता है ना, अब सोनी साहब सिविल इंजीनियर है। अब बात यह आती है कि वास्तु कंसल्टेंट का कैसे पता लगे। सबसे पहले उससे पूछिए कि तुम्हारे गुरु कौन है, कौन टीचर, हम पूछते ना कौन से स्कूल से, कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ा भाई, हाँ तो उसकी यूनिवर्सिटी वही होगी ना, उसका गुरु कौन है। यदि वो अपने गुरु का नाम नहीं बता रहा है, अच्छा मैंने बहुत सारी वीडियो देखी है, मैंने सिंगल साहब का भी वीडियो देखा था, मैंने उसका भी देखा था, इसका भी देखा था, मैंने बहुत सारी किताब इंटरनेट पर, मेरे कम से कम भी 150 किताबें पढ़ी है जी, मैंने 16 साल से पढ़ रहा हूँ मैं, उसमें है क्या ये तो बताना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अपने को भी आता, ये तो बेवकूफ़ बनाते हैं, इसलिए मैं वास्तु कंसल्टेंट हूँ। आप उस पर काटा मारिए। फिर उससे ये पूछिए वेद कितने, शास्त्र कितने, पुराण कितने, यदि वो नहीं बता पा रहा है काटा मारिए। वास्तु दोष का कैसे पता लगे, चलिए अपने को बॉडी में कोई दिक्कत होती है, हम डॉक्टर साहब के पास चले जाते हैं, मुझे दांतों में दिक्कत हुई डॉक्टर साहब के पास चला गया, ठीक है, तो दांतों में दिक्कत तो होनी चाहिए या आपको सिम्टम तो पता होना चाहिए, तभी तो बुलाएंगे किसी डॉक्टर को, यानी तभी तो किसी वास्तु कंसल्टेंट को बुलाएंगे। जब कोई व्यक्ति लगातार कंटिन्यू दिक्कत में आ रहा है, परेशानी में आ रहा है, लॉस में आ रहा है, हेल्थ खराब हो रही है, कभी मेरी खराब हो रही है, कभी वाइफ की हो रही है, कभी बच्चे की हो रही है, पिता की हो रही है, माता की हो रही है, मेडिकल बिल्स बनते ही जा रहे हैं, सिमटने में नहीं आ रहे, डॉक्टर कहते हैं, पेशेंट बोलता है कि ये मेरे पेट में दर्द है, डॉक्टर कहते हैं टेस्ट कराओ, टेस्ट कराया ओके, रिपोर्ट ओके आ रही है, बंदा कह रहा पेट में दर्द है, समझ में नहीं आ रहा, तो आप में मान लेना चाहिए कहीं वास्तु दोष है। और आप जो एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं वो क्या बोलते हैं कि राहु है ना, राहु की वजह से होता है, राहु की दशा से होता है, पता नहीं लगता, ऐसी चीजें ऐसी दिक्कत हो जाना जिसका पता ना लग पाना, सडन हो जाना और अपना भी ठीक होना, अपना हो जाना। जहां पर आज हम सबको आकाश तत्व की कमी है, दिक्कत है, परेशानी है, इसके चलते हम लोग कहीं ना कहीं कम या ज्यादा दुखी कह सकते हैं, डिप्रेशन में कह सकते हैं, अग्रेशन में कह सकते हैं, या छोटी छोटी बात पे ज्योतिषी लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कहां थे आप, अम्बाला, अच्छा अच्छा ये हंसना गाना बजाना विचार आना ये सब दिमाग का काम है। एक व्यक्ति को बोला गया, बीमार था, उठ नहीं पा रहा था, क्या बोलते हैं डॉक्टर साहब उसको, जो ग्लूकोज चढ़ रहा था, ठीक है, इतनी हद तक तबीयत खराब थी, अचानक से फोन आता है, अरे भाई किसका नाम, ये या उसकी मदर एक्सपायर हो गई, निकाला सब भाग लिया, इतने में नर्स को रोका, नहीं नहीं ये वो वाला अशोक नहीं, ये दूसरा अशोक है, और फिर दोबारा वापिस, यानी कुछ भी बोला, सिर्फ सोच की बात थी, वही व्यक्ति में जान आ गई और वही व्यक्ति फिर से निढाल हो गया, ठीक है ना। और इस मामले में सबसे सेंसिटिव प्राणी कौन है इस दुनिया में, मां, कितनी भी कमजोर होगी ना बच्चे के लिए जान ले लेगी, जान दे देगी। अगर आपने प्रोफेशनल वास्तु कंसल्टेंट बनना है तो, या फिर ऐसे शिष्यों के ऐसे गुरुओं के साथ रहना चाहिए, तो प्रैक्टिकली आपने मेरे किसी वीडियो में सुना कि आज हम टीचर नहीं है, किसने सुना मेरा ये वीडियो, हम यहाँ पे सब ट्यूशन पढ़ने आए हैं और मैं ट्यूटर हूँ, टीचर होता तो कुछ और स्टाइल होता, मैं भाग्यवान हूँ कि मैं गुरु शिष्य परंपरा से सीखाऊं, तो फिर भी इतना भी अगर हमारे टाइम में होता तो हम तो पता नहीं कहाँ के कहाँ होते, सच बता रहे हैं, कोई हमारे पास मिलता नहीं था, कोई लाइब्रेरी में नहीं मिलती थी किताब, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में हम जाते थे वहां नहीं मिलती थी किताब, पता नहीं होता था लाइब्रेरियंस को कि बुक कहाँ मिलेगी,